हाय फ्रेंड्स वेलकम टू फतेह दुकाम एंड दिस इज़ नवनीत आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ी अलग है एजुकेशनल होने के साथ साथ ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगी तो मैं एक फूड की बारे में आपसे बात करने लगी हूँ यहाँ पे जो हाल ही में हमारे एक माइसर बेस्ड इंस्टीट्यूट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है जिसको स्पिरोलिना चिक्की बोला है, जाता है ये एक चिक्की ही है ऑर्डनरी चिक्की जो होती है ग्राउंड नट एंड जैगरी बेस्ड चिक्कीज होती हैं और इसमें सिर्फ स्पिरोलिना जो है वो ऐड किया गया है अब हमें जानना है इस स्पिरोलिना के बारे में कि ये स्पिरोलिना होता क्या है इसके क्या बेनिफिट्स हैं तो अब इससे पहले कि मैं आपको चिकी के बारे में कुछ बताऊं मैं आपको स्पिरुलिना के बारे में ये बता देती हूं कि स्पिरुलिना जो है वो नासा ने भी रिकमेंड किया है एज अ स्पेस फूड और स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं वो स्पिरुलिना को भी लेके जाते हैं ये एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गी है ठीक है और एल ये जो बैक्टीरिया है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है ठीक है फोटो बैक्टीरिया है लेकिन जैसे प्लांट्स में सेलुलोज होता है ना तो सेलुलोज क्योंकि ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं इतने इजीली है ना तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया जिसकी मैं बात कर रही हूं ब्लू ग्रीन एलगी या फिर इसको uh, स्पिरुलिना भी बोलते हैं या फिर इसको आर्थोस्पायरा भी बोलते हैं तो इसमें जो है वो सेलुलोज uh, नहीं है तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल एकदम फिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब वो इनको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं अब ये स्पिरोलिना जो है ये रिच इन प्रोटीन है मतलब कंसनट्रेटेड सोर्स हम बोल सकते हैं कंसनट्रेटेड से आपको पता ना मतलब जो चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज में बहुत ही ज़्यादा रिच हो तो उसको हम कंसनट्रेट जैसे उसमें पानी हम डालते जाएंगे तो वो डिल्यूट होती जाएगी लेकिन कंसनट्रेटेड मतलब दिस इज दिस इज दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स uh, मतलब अराउंड सेवेंटी परसेंट प्रोटीन्स हैं इसमें अगर हम देखें जो नॉनवेज खाते हैं लोग तो वो मीट वगैरह फिश वगैरह से अपनी जो है वो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते हैं लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके पास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ही कम फूड है ठीक है लेकिन स्पिरोलिना एक ऐसा फ़ूड है जो आपकी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ही फुलफ़िल नहीं करता उसके साथ साथ आपकी बॉडी को जितने भी असेंशल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं जितने भी इन मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है ठीक है मतलब अगर हम देखें तो इसमें प्रोटीन्स तो हैं ही साथ में इसमें आपको जो है वो प्रो विटामिन A, जिसको हम बीटा कैरोटीन बोलते हैं वो भी मिल जाता है ठीक है फिर इसमें आपको जो है वो जितने भी असेंशियल मिनरल्स हैं जिसमें मैंगनीज uh, आता है जिसमें जिंक आता है जिसमें आयरन आता है इसमें मतलब ये आयरन भी बहुत ज़्यादा है इसमें ठीक है मैग्नीशियम हो गया सोडियम हो गया जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम को चलाने के लिए तो उस ये मतलब एक ओवरऑल सोर्स है इन सारी चीज़ों का और इसके साथ साथ इसमें गामा लिनोलैनिक एसिड होता है जो कि एक ओमेगा थ्री फैटी एसिड का ओमेगा सिक्स फैटी एसिड का सोर्स होता है अब ये जो जी होता है जो ऐमेगा थ्री फैटी एसिड का सोर्स है उसका हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रोल है एक तो ये इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है जहाँ पर भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा या इंजरी होगा उसको हील करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उसके साथ-साथ ये इन्फेक्शन से भी लड़ता है उसके साथ साथ सिर्फ ये इन्फेक्शन से ही नहीं लड़ता है यो जो हमारे मतलब दूसरी बीमारियां भी अगर हमारी बॉडी में हो जैसे मान लो किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी मतलब उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड इवन इट हैज़ एंटी कैरसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ मतलब इतना अच्छा फूड है ये स्पिरोलिना अगर ये जो अभी तो ये जो सी एफ टी आर आई है इसने ये फूड प्रिपेयर किया है स्पेरोना चिकी लेकिन ये वैसे भी बाजार में अगर आप देखो तो काफ़ी एज ए सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट्री फूड भी हम इसको परचेज़ कर सकते हैं ये जो स्पिरुलिना है लेकिन बिकॉज uh, uh, ये जो uh, इन्होंने एक ग्राउंड नट चिकी बेस में ये स्पिरुलिना चिकी जो बनाई है ये क्योंकि बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं तो अभी बच्चों को बुज़ुर्गों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर, अगर हम देखें तो बच्चों में जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होता है और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है तो उन उन इन सब लोगों के लिए ये एक वरदान है और वैसे भी आज आपको पता है कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है ठीक है तो स्पेशली वो लोगों के ऊपर ज़्यादा अटैक हो रहा है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है उनको बहुत ज़्यादा जल्दी ये बीमारी जो है वो पकड़ लेती है ठीक है तो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फूड जो है वो प्रिपेयर किया गया है और नासा ने भी जैसे मैं आपको बताया नासा भी इसको जो है वो एज़ अ रिकमेंड करती है एज अ डाइट्री सप्लीमेंट और इसको जो है वो स्पेस में भी लेके जाते हैं एज अ फूड ठीक है तो स्पिरोलिना के बारे में आपको वैसे जनरली पता होना चाहिए कि ये क्या है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एंड मोर ओवर अगर अगर हम एक्वाकल्चर देखें ठीक है जो हम या फिर पोल्ट्री इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसको एज अ फीड जो है वो यूज करती हैं स्पेरोना को तो ओवर एंड ऑल इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है जितने भी हमारी बॉडी में असेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए असेंशियल मिनरल्स चाहिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी बॉडी में अगर पूरा कर सकता है तो स्पिरुलिना बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से जो है वो पूरा कर सकता है ठीक है तो ये इतना ही बस मुझे आपको बताना था ठीक है तो इसके बाद हम रेगुलरली uh, जो भी ऐसी चीज़ें अगर नई नई आएंगी तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते चलेंगे आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज़ आज इसको शेयर करोगे तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग